खबर रीवा से। रीवा जिले में खाकी फिर हुई दागदार। टीआई समेत दो पुलिस कर्मी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। टीआई समेत दो पुलिस कर्मियों को एसपी ने निलंबित किया। शासन की तनख्वाह में नहीं चल रहा पुलिस कर्मियों का गुजारा। रिश्वत लेने का सिलसिला थम नहीं रहा। रीवा जिले में रीवा पुलिस कप्तान के लिए बड़ी चुनौती। अगर विगत दिनों पूर्व देखा जाए तो गढ़ थाने में भी एक ऐसा ही मामला लेन देन के ऑडियो व वीडियो मीडिया के पास आया है, जिसमें खाकी को दागदार करने का मामला दिख रहा था। लोकायुक्त रीवा के गोविंदगढ़ में बड़ी कार्यवाही। रिश्वतखोर थाना प्रभारी, प्रधान आरक्षक व आरक्षक को रिश्वत लेते किया ट्रैप। रीवा लोकायुक्त ने गोविंदगढ़ थाना प्रभारी समेत दो अन्य पुलिस कर्मियों को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। पीड़ित मनीष कुमार पटेल, पिता महेंद्र कुमार पटेल, रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के मड़ा गांव निवासी की शिकायत पर कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार, निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार समेत 20 सदस्यीय टीम ने गोविंदगढ़ थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक बबुआ सिंह व आरक्षक राजकुमार को वाहनों की एंट्री करने के एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गोविंदगढ़ थाना परिसर में गिरफ्तार किया। साथ ही आगे की कार्यवाही रेस्ट हाउस गोविंदगढ़ में चल रही है।